नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। झांसी के मऊरानीपुर में लगातार हो रही चोरी से दहशत का माहौल बना हुआ है। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पठा निवासी हृदयलाल साहू ने कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि सुबह लगभग 3 बजे घर के ताले टूटे पड़े हुए थे और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, जिसे देख कर उसके होश उड़ गए और इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना देवरी चौकी सहित कोतवाली पुलिस को दी गई। पीड़ित ने बताया कि चोरों द्वारा उनके घर से लगभग 3 लाख रुपए नकदी, सोने चांदी आभूषण चोरी कर ले गए। लाइसेंस हथियार के लगभग 2 दर्जन कारतूस भी चोरी करके ले गए। पुलिस के लिए चुनौती बड़ी बदमाश पुलिस के लिए सिरदर्द साबित हो रही है। पुलिस चोरों के खिलाफ ही कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रही है, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। प्राइम मेकिंग न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट है। क्या नाम है भैया? ग्राम पठा। क्या घटना हो गई साहू जी? आज ये हो गई कि सर हमारे घर में सर चोरी हो गई रात में, कोई करीब 3 बजे के समथिंग। कितने की चोरी हुई? लगभग लगभग 10 लाख की, 5 लाख के समथिंग, 6 से समथिंग जेवरात चले गए, सोने चांदी के आभूषण और 3.5 लाख रुपए नकदी चली गई, कुछ मम्मी के चले गए 1 लाख के समथिंग जो अलग से रखी थी वो, और मेरी राइफल का लाइसेंस है तो उससे सर कारतूस भी ले गए सर। चोर कितने लगभग कारतूस? 25 ले गए कारतूस, बेल्ट ले गए सर, हमारे पिताजी की जो बेल्ट रखी थी कारतूस की वो ले गए 315 के। तो आपने शिकायत की थाने में? हाँ सर, हमने फोन लगाया था तो सर HSO साहब आए थे और CEO साहब आए थे और देवरी चौकी पे भाई आए थे। तो अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर हमारी चोरी का जल्द से जल्द खुलासा हो जाए। और सर हमारे गांव में एक वही और वही थी सर चोरी, संदीप साहू के यहाँ था सर, उसका कोई अभी भी खुलासा नहीं हो पाया है, प्रश्न किया है।